बोलिए श्याम धनी की, बोलिए बाबा लखदातारी की, बोलिए बाबा तीन बाणधारी की। भक्तजनों, इस घनघोर कलयुग में मेरे खाटू वाले श्याम बिहारी सब भक्तों को अपने धाम पर बुलाते हैं तथा उन्हें अपना पावन दर्श दिखाकर उन्हें कृतार्थ करते हैं तथा कलयुग के कष्टों से मुक्ति दिलवाते हैं। तो आइए इस संगीत में कथा के माध्यम से सुनते हैं मेरे खाटू वाले श्याम धनी की पावन पवित्र कहानी। तो एक बार फिर मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोल दीजिए, बोलिए बाबा श्याम धनी सरकार की। जब जब भक्त पुकारे लीले चढ़कर आते हैं, जब जब भक्त पुकारे लीले चढ़कर आते हैं, हम खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं, जब भक्त पुकारे लीले चढ़कर आते हैं, जब जब भक्त पुकारे लीले चढ़कर आते हैं, हम खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं, हम खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, मेरे खाटू वाले श्याम बिहारी का प्राकट्य कैसे हुआ, कैसे उन्होंने खाटू नगरी को अपना पावन धाम बनाया, कैसे इस कलयुग में वो कृष्ण कन्हैया के नाम से पूजे जाते हैं, ये सब पवित्र पावन प्रसंग जो वेद पुराणों में वर्णित हैं, मैं आज आपको संगीतमय रूप में सुनाने जा रहा हूं। तो खाटू वाले श्याम बिहारी के पावन स्वरूप का मन में ध्यान लगाते हुए आइए सुनते हैं आगे की कथा। कैसे खाटू नगरी का वो अपना धाम बनाए, कैसे इस कलयुग में काना रूप में पूजे जाए, कैसे खाटू नगरी को वो अपना धाम बनाए, कैसे इस कलयुग में काना रूप में पूजे जाए। वेद पुराणों में लिखी वो महिमा गाते हैं, हम खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं। हाँ, खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, मेरे खाटू वाले श्याम बिहारी की पावन कथा महाभारत के काल से प्रारंभ होती है। महाभारत जिसके महानायक भगवान श्री कृष्ण है, कौरव और पांडवों के बीच धर्म युद्ध की कथा है महाभारत। कैसे इस महाभारत की कथा में मेरे श्याम धनी आते हैं, आइए सुनते हैं ये पावन पवित्र कथा। महाभारत के काल की भक्तों है ये परम कहानी, तुमको कथा सुनाऊं पावन भक्तों अपनी जुबानी। महाभारत के काल की भक्तों है ये परम कहानी, तुमको कथा सुनाऊं पावन भक्तों अपनी जुबानी। कथा सुनी खाटू की जिसने पार बजाते हैं, हाँ हम खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं। जय हो, खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं,
काटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं। भक्त जनों, मेरे खाटू वाले श्याम बिहारी का नाम बरबरीक था। उनके पिता महाबली घटोत्कच थे और माता अहलावती। वीर बरबरीक भीम के पौत्र थे। ऐसे महाबली, ऐसे महाप्रतापी जब महाभारत का युद्ध लड़ने का आह्वान करते हैं, तब कृष्ण कन्हैया क्या लीला दिखलाते हैं, आइए सुनते हैं। वीर घटोत्कच पिता तुम्हारे अहलावती के लाला, पौत्र भीम के सबसे निराले भगतन के प्रतिपाला। हाँ वीर घटोत्कच पिता आपके अहलावती के लाला, पौत्र भीम के सबसे निराले भगतन के प्रतिपाला। मात पिता फिर बरबरीक तो नाम धराते हैं, खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं। हम खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, वीर बरबरीक बालापन से ही अत्यंत बलशाली योद्धा थे। एक से एक युद्ध कला उन्होंने अपनी माँ और कृष्ण कन्हैया जी से सीखी थी। फिर अपनी माता के कहने पर उन्होंने महाशक्ति महा दुर्गा का घनघोर तप किया और माँ से उन्हें तीन दिव्य बाण मिले, जिसे वरदान स्वरूप माँ दुर्गा ने वीर बरबरीक को दिया और कहा, तुम केवल इन तीन बाणों के माध्यम से त्रिलोकी के विजेता बन सकते हो। वीर बरबरीक ने वो तीन बाण सदा अपने तरकश में रखे, इसीलिए इनका एक नाम तीन बाणधारी भी है। भक्तों, मैया से और कान्हा जी से शिक्षा दीक्षा पाई, माँ दुर्गा के ध्यान में भक्तों धुनी लई रमाई। हाँ मैया से और कान्हा जी से शिक्षा दीक्षा पाई, माँ दुर्गा के ध्यान में भक्तों धुनी लई रमाई। तीन बाण मैया से वर में फिर वो पाते हैं, हम काटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं। हाँ हम काटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, अब वीर बरबरीक ने अग्निदेव का घनघोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर अग्निदेव ने दर्शन दिए और वीर बलि बरबरीक को एक दिव्य धनुष प्रदान किया। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया था। भक्तों, अब वीर बरबरीक के मन में आई कि वो भी इस युद्ध में भाग लेने जाएंगे। जब माता से आज्ञा ली और माता ने पूछा, तुम किसकी तरफ से लड़ोगे, तब उन्होंने कहा, माँ जो भी युद्ध में हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। तभी से भक्तजन इन्हें हारे का सहारा भी कहते हैं। भक्तों, अग्निदेव से दिव्य धनुष बरबरीक ने पाया, महाभारत का युद्ध लड़ू मैं उनके मन में आया। अग्निदेव से दिव्य धनुष बरबरीक ने पाया,
महाभारत का युद्ध लड़ू मैं, उनके मन में आया हारे का मैं बनू सहारा, माँ को बताते हैं हम खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं। हाँ हम खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं। जब भगवान कृष्ण को ये ज्ञात हुआ कि वीर बरबरी हारने वालों की तरफ से लड़ने आने वाले हैं, वो जान गए हारेंगे तो कौरव ही, और यदि कौरवों की तरफ से वीर बरबरीक लड़े तो पांडवों की विजय कभी नहीं हो सकती थी। सो कृष्ण कन्हैया ने माया रचाने की सोची और वीर बली बरबरीक को मार्ग में ही रोकने का एक उपाय बनाया। वो उपाय क्या था, वो लीला क्या थी, आइए सुनते हैं। बाण रखे कांधे पर लील को एड़ लगाई, महाभारत फिर लड़ने चले थे बरबरीक बलदाई। हाँ तीन बाण कांधे पर रखे लील को एड़ लगाई, महाभारत फिर लड़ने चले थे बरबरीक बलदाई। कान्हा उनको रोकने की युक्ति लगाते हैं। हाँ हम खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं। हम खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं। जय हो। जिस मार्ग से वीर बली बरबरी युद्ध लड़ने को आ रहे थे भक्तों, कृष्ण कन्हैया एक बूढ़ा ब्राह्मण बनकर मार्ग के बीचों बीच लेट गए। जब वीर बरबरी ने उनसे इसका कारण पूछा तो बजाय कारण बताने के वृद्ध ब्राह्मण के रूप में कृष्ण कन्हैया बोले, तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना अभिमान है तो अपनी शक्ति का थोड़ा सा परीक्षण मेरे आगे भी करो, और इस एक बाण से जिस पेड़ के नीचे मैं लेटा हूं इसके सारे पत्ते बींद कर दिखाओ। अब आगे वीर बरबरी क्या वीरता दिखलाने वाले हैं भक्तों, आइए सुनते हैं। जिस मार्ग से वीर बली थे युद्ध को लड़ने जाए, एक ब्राह्मण का रूप बनाकर कान्हा वहां पर आए। हाँ जिस मार्ग से वीर बली थे युद्ध को लड़ने जाए, एक ब्राह्मण का रूप बनाकर कान्हा वहां पर आए। बाणों की शक्ति दिखलाओ वो फरमाते हैं, हम खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं। हाँ हम खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं। वीर बरबरीक ने वृद्ध ब्राह्मण के चरणों में शीश नवाया और तरकश से एक बाण निकाला। जैसे ही दिव्य धनुष से वो बाण छोड़ा, वो बाण पेड़ के सारे पत्ते बींद कर वापस तरकश में आ गया। तब कान्हा ने जान लिया यदि बरबरीक युद्ध में गए तो कौरवों को कोई नहीं हरा सकेगा। तब वो अपने वास्तविक रूप में आ गए और बोले, हे बरबरी, मैंने तुम्हें बचपन में युद्ध कला सिखलाई थी, आज उसी शिक्षा के बदले मुझे गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है।
वीर बरबरीक ने कृष्ण कन्हैया के चरणों शीश झुकाया और पूछा, हे गुरुदेव कहिए क्या आज्ञा है। एक बाण से पेड़ के सारे पत्ते बिंद दिखाए, शक्ति देखी वीर की कान्हा असली रूप में आए। हो एक बाण से पेड़ के सारे पत्ते बिंद दिखाए, शक्ति देखी वीर की कान्हा असली रूप में आए। गुरु दक्षिणा मुझको दो कान्हा फरमाते हैं, खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं। हम खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं। तब कृष्ण कन्हैया ने कहा, हे वीर बरबरी, यदि तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो इसी समय अपना शीश काट कर मेरे चरणों में समर्पित कर दो। बालक बरबरीक ने एक क्षण की देर लगाए बिना भक्तों अपनी कमर से बंधी कटार निकाली और अपना सर धड़ से अलग कर कृष्ण कन्हैया के चरणों में चढ़ा दिया। भगवान श्री कृष्ण आंखों में आंसू भरकर उसकी इस गुरु दक्षिणा को स्वीकार करते हैं तथा उन्हें ढेरों आशीर्वाद भी देते हैं। आगे की मार्मिक कथा मैं आपको सुना रहा हूं भक्तों, परंतु बार बार याद भी दिला रहा हूं कि खाटू वाले श्याम धनी का सुमिरन करना मत भूलिएगा। अपने शीश को काट के मेरे चरणों में चढ़ाओ, दक्षिणा देकर मुझको अपना फर्ज निभाओ। हाँ अपने शीश को काट के मेरे चरणों में तो चढ़ाओ, गुरु दक्षिणा देकर मुझको अपना फर्ज निभाओ। शीश काट के अपना फिर कान्हा को चढ़ाते हैं, हम खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं। हम खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं। कृष्ण कन्हैया की आंखों में आंसू हैं, उन्होंने हाथ में बरबरीक के कटे शीश को लिया हुआ है। बरबरीक का कटा शीश श्री कृष्ण से बस एक ही प्रार्थना करता है, हे प्रभु कृपा कर मुझे महाभारत का युद्ध देखने दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ आपकी लीला क्या है, आपके होते कौन हारता है और कौन जीतता है। कृष्ण कन्हैया लाल ने तथास्तु कहकर कटे हुए शीश की ये इच्छा पूर्ण की। भक्तों कटे शीश ने एक ही इच्छा कान्हा से बतलाई, महाभारत का युद्ध मैं देखूं ये इच्छा जतलाई। हो कटे शीश ने एक ही इच्छा कान्हा से बतलाई, महाभारत का युद्ध मैं देखूं ये इच्छा जतलाई। युद्ध देखने का उनसे वरदान वो पाते हैं। हाँ हम खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं। हम तीन बाणधारी की भक्तों कथा सुनाते हैं।
कटे हुए शीश ने जब ये वरदान कृष्ण कन्हैया से पाया तो उन्मुक्त स्वर में कृष्ण कन्हैया लाल की जय जयकार करने लगा। श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें वरदान दिया, हे बरबरी, तुम कलयुग के सच्चे देवता कहलाओगे और तुम्हारा ये शीश मेरे नाम से कलयुग में पूजा जाएगा। खाटू नगरी में तुम्हारा धाम होगा, जहां जो भी भक्त अपने मन में जो भी इच्छा लेकर आएगा तुम उनकी इच्छाओं को पूर्ण करोगे। तभी से इस घनघोर कलयुग में मेरा श्याम धनी अपने दर पर लाखों करोड़ों भक्तों को बुलाता है तथा उनकी मन की मुरादें पूर्ण करता है। कान्हा ने वरदान दिया तुम परम गति पाओगे, कलयुग में तुम मेरे नाम से फिर पूजे जाओगे। हाँ, कान्हा ने वरदान दिया तुम परम गति पाओगे, कलयुग में तुम मेरे नाम से फिर पूजे जाओगे। तब से खाटू नगरी को वो धाम बनाते हैं, हम खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं। खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं। खाटू नगरी भारत वर्ष के राजस्थान राज्य में स्थित है भक्तों, जहां हर वर्ष हर समय बाबा के दर पे मेला लगा रहता है। भक्तों का रेला हाथ में बाबा का निशान लिए उनके लिए अलग अलग रंगों के बागा लेकर उनके द्वार पर आते हैं, जय जयकार करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, उनके नामों का उच्चारण करते हैं, चूरमे का भोग उन्हें समर्पित करते हैं तथा मेरे बाबा श्याम धनी की कृपा को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे दयालु, ऐसे हारे के सहारे, ऐसे तीन बाणधारी की सच्चे हृदय से एक बार फिर जय जयकार बोलिए भक्तों। दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ बोलिए, बोलिए खाटू वाले श्याम सरकार की। खाटू नगरी में सब आते दर्श तिहारा पाते, दोनों हाथ उठा श्रद्धा से चंदन तिलक लगाते। हाँ, खाटू नगरी में सब आते दर्श तिहारा पाते, दोनों हाथ उठा श्रद्धा से चंदन तिलक लगाते। केसरिया बागा तुमको फिर भक्त पहनाते हैं। हाँ, हम खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं। खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुनाते हैं।